हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटी ऑप्टिमा HX डुअल बैटरी। इसमें कलर वेरिएंट तीन हैं, एक ब्लू कलर है और एक ग्रे कलर है और एक ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर। लुक वाइज तीनों कलर बहुत अच्छे हैं बट मेरे को वाइट कलर पसंद आया। तो अब हम स्कूटी के कुछ फीचर्स के बारे में इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो टॉप स्पीड है जो कंपनी देती है वो 42 किलोमीटर पर आवर देती है, बट आपको ग्राउंड पे जो मिल रहा है, जो मैंने चलाया, मैं इसको मिर्ज़ापुर से लिया हूँ और मिर्ज़ापुर से लेके आया हूँ प्रयागराज अपने घर, तो इसमें मुझे 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिली है। हाईवे था, थोड़ा सा लग रहा था कि कम स्पीड है। और रेंज जो है इसकी राइडिंग रेंज वो कंपनी क्लेम करती है कि 122 किलोमीटर है एक सिंगल चार्जिंग पे, फुल चार्ज करते हैं तो, बट ग्राउंड पे आपको 112 113 मिल जाएगा जो मुझे मिला है। कंपनी क्लेम करती है इसका बैटरी के लिए कि ये 4 से 5 घंटे में ये आपकी फुल चार्ज हो जाएगी, बट ये आपका 4 घंटे 12 मिनट 13 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। और इसकी 550 वाट की मोटर है और इसकी जो व्हील्स हैं ये थोड़ा सा बाइक के कंपेरिजन में तो छोटी हैं, बट स्कूटी है तो ठीक है, 12 इंच में है। और इसमें रजिस्ट्रेशन जो है इसका RC है, इंश्योरेंस है ना। इसको चलाने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। ये इसकी की है और ये इसको ऑन किए देखिए, ये थोड़ा सा लप लुक कर रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कैमरे पे ऐसा आ रहा है बट रियल में ऐसा नहीं है। और ये इसका अच्छा है लाइटिंग, इसकी लाइटिंग इसकी आपको दिखाते हैं। ये ऑन करो, लाइट ऑन करो, ये लाइट आप देख सकते हैं, लाइट नाइट में आए हैं तो बहुत अच्छा है लाइट वगैरह इसका। और इसका ये येलो कलर की पट्टी है, ये थोड़ा सा इसको अच्छा लुक देती है। इसमें साइलेंसर वगैरह का जो जगह होता है स्कूटी है, यहाँ भी ये दिया हुआ वाइट कलर में, ये फाइबर है ये। तो आप इसमें मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, ये इस पर केबल लगा के, और यहाँ पे रख सकते हैं, ये स्पेस दिया हुआ है, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और इसकी की में काफ़ी फैसिलिटी है, जैसे आप स्कूटी को की से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये 4 नंबर की ये स्टार्ट हो गई आप देख सकते हैं, और यहीं से बंद हो जाएगी। ये पार्किंग है, जैसे आप कहीं गाड़ी खड़ी कर दी, किसी को चाबी दे दिए तो उसे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको दबाएगा तुरंत पता चल जाएगा आपको ये हमारी स्कूटी कहाँ पर है। ये इसका चार्जिंग पॉइंट है B1 और ये B2 इधर है, एक साथ चार्ज में लगा सकते हैं आप, तो इसके साथ डबल चार्जर मिलता है, वो हम आपको दिखाएंगे दोनों चार्जर भी। ये चाबी लगेगी आपकी डिग्री, ये बैटरी रिमूवेबल भी है, इसको आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ये दिया हुआ है, ये डबल बैटरी, एक ये है और ये इसके अंदर है, दोनों रिमूवेबल बैटरी हैं, ऐसे निकाल के भी आप अलग से चार्ज लगा सकते हैं। ये चार्जिंग पॉइंट है और ये चार्जर इसका, ये इसका चार्जर है, आप नॉर्मल प्लग में भी इसको चार्ज कर सकते हैं, एक डुअल चार्जर, दोनों बैटरी एक साथ चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन जो है इसका रिव्यू है, मेरा तो बहुत अच्छा फीडबैक है इस पर। थोड़ा सा स्पीड का इशू आता है, स्पीड आप इसकी मैक्सिमम जो 48 है, ये थोड़ा सा जो यंग एज वाले हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है कि हाँ स्पीड नहीं है इसमें, तो वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, कंपनी जल्द ही बाइक का भी मॉडल निकालने वाली। तो बाकी अगर आप इसको सिटी में चलाना चाहें तो बहुत कंफर्ट है, बहुत अच्छा है ये। और इसके साथ जो भी आपकी और कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, इस पे ये इसकी जो कॉस्ट है वो 1,09,000
704 रुपये ये पड़ी है यहाँ पे मुझे मिर्ज़ापुर में, और इसमें जो सब्सिडी हमें मिला है वो 43,760 रुपये सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये ठीक है, ओके, थैंक यू।